दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि आप कैसे आपके गूगल पे के अकाउंट के माध्यम से गोल्ड में इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं। तो आप अगर एक गूगल पे यूजर हैं तो आप आसानी से जो है आपके गूगल पे के अकाउंट में ही डिजिटल तरीके से गोल्ड को खरीद सकते हैं, और जब गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता है तब आसानी से उस गोल्ड को सेल करके आप मुनाफा भी कमा सकते हैं। ऐसे तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने का बहुत सारे ऑप्शन आपके पास है। जैसे फिजिकल तरीके का बात करें तो जैसे आप किसी भी गोल्ड शॉप में जाके जो है आप आसानी से उधर से कुछ ज्वेलरी चीजें खरीद सकते हैं या फिर गोल्ड के कॉइन खरीद कर अपने पास रख सकते हैं। लेकिन आज के समय दिखा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है डिजिटल तरीके से ही गोल्ड में इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि फिजिकली गोल्ड जो होते हैं हमारे लिए बहुत रिस्की होता है, क्योंकि कभी कभी हम कभी कभी गिर भी जाता है या फिर कभी कभी चोरी होने का डर भी रहता है। इस वजह से ज़्यादा जो लोग है डिजिटल तरीके से ही गोल्ड को खरीद रहे हैं। तो आप भी अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं डिजिटल तरीके से तो आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आप कैसे आपके गूगल पे के अकाउंट से गोल्ड को बाय कर सकते हैं और कैसे उसको सेल करके जो है मुनाफा कमा सकते हैं। तो मेरा नाम है मिथुन, आप देख रहे हैं डिजिटल मिथुन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों गूगल पे से डिजिटल तरीके से गोल्ड बाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन करना है, उसके बाद उसको आप लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद आपको जो रुपया का एक लोगो नजर आ रहा होगा उसके नीचे न्यू लिखा है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो सर्च बॉक्स दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके उधर आपको सर्च करना है गोल्ड लॉकर। गोल्ड लॉकर सर्च करने के बाद आपको गोल्ड लॉकर का एक लोगो के साथ ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले जो दिख रहा है हमें कोई भी अभी बैलेंस हमारा गोल्ड में नहीं है, यानी कि कोई भी गोल्ड मैंने अभी तक खरीद के रखा नहीं है अपने पास, और ऐसे ही 00 करंट होल्ड बैलेंस दिखा रहे हैं। लेकिन 35 रुपये का एक ट्रांजेक्शन मैंने इधर दिख रहा है, यानी कि 35 रुपये का जो है मैंने बाय किया था वो कभी 27 अक्टूबर 2019 में मैंने बाय किया था इसे ट्राई करने के लिए। और उसके बाद जो है 19 अगस्त 2020 में जो है 45.64 में उस गोल्ड को सेल कर दिया था, यानी कि 10 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ था। एक साल भी नहीं हुआ था उससे पहले ही हम सेल किया था और हमें 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि आप अगर सही समय में गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो अभी आपको बता दें कि आप कैसे इधर से गोल्ड बाय कर सकते हैं। गोल्ड बाय करने के लिए बाय के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद सबसे पहले एक लोगो नज़र आ रहा होगा MMTC पम्प, यानी कि जो कंपनी से हमें ये गोल्ड बाय करने का फैसिलिटीज दिया है, यानी कि प्लेटफॉर्म दिया है, जो कंपनी से हमें गोल्ड मिल रहा है उस कंपनी का नाम है MMTC पम्प। उसके बाद नीचे जो लिखा होगा कि बाइंग फ्रॉम MMTC पम्प 99.99% 24K प्योर गोल्ड, यानी कि ये जो गोल्ड है 24K प्योर गोल्ड, यानी कि ये हलग्राम होता है, ये सबसे ऊपर माना जाता है 24K। जो कोई भी गोल्ड का अगर हलग्राम होता है तो ये सबसे ऊपर होता है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब आप अगर डिजिटली तरीके से गोल्ड बाय करते हैं तो हमें प्योर गोल्ड या फिर कौन सा कंपनी इससे क्या मतलब है, लेकिन मतलब है तभी तो कंपनी ने इधर शो किया है। आगे इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी हमें इधर गोल्ड बाय करने के लिए जो है इधर आप देखेंगे कि रुपया का जो ऑप्शन है उधर अभी 0 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके नीचे आप देखेंगे कि इधर बाइंग प्राइस 5.5 MG इंक्लूड टैक्स एंड GST, यानी कि आप अगर 1 MG बाय करते हैं तो आपको 5.52 पैसा लगेगा GST और जो भी टैक्स है उसके साथ। देखिए जैसे अगर 5.52 हम डालते हैं तो आप देखेंगे कि 0.9 MG, मतलब 1 MG भी नहीं है, थोड़ा कम है 1 MG से, इसलिए तो इसका रेट जो है आप नीचे देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको फिलहाल 1000 रुपये का बाय करके दिखाता हूँ। तो 1000 रुपये में जो है हमें 180.8 MG गोल्ड हमें मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मैं इधर राइट ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद बाय गोल्ड पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद जो है आपका जो UPI पिन है आपको डाल देना है, उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो ट्रांजेक्शन है प्रोसेसिंग हो रहा है, कुछ ही समय में जो है ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी प्रोसेसिंग में चल रहे हैं।
तो आप देख सकते हैं कि बॉट गोल्ड हो गए, यानी कि हमारा जो गोल्ड है वो बाय हो चुका है। अब देखेंगे कि जो प्रोसेसिंग में है, लेकिन ये बाय हो गया, अगर हमारा बैंक अकाउंट से मैसेज आ गया यानी कि गोल्ड हमारा बाय हो गया, तो इधर पेमेंट प्रोसेसिंग में ही अभी दिखा रहा है। लेकिन कुछ ही समय में जो है टुपल, ये देखिए अभी सक्सेसफुल हो गया है। इसको हम क्लोज करते इधर से, उसके बाद आप देखेंगे कि इधर 180.8 MG का गोल्ड हमें मिल गया है, ठीक है। उसके बाद आप अगर इसको सेल करना चाहेंगे, सेल करने के लिए सबसे पहले आपको सेल पर क्लिक करना होगा। सेल पर क्लिक करने के बाद जो भी बैलेंस है आपका इधर शो हो जाएगा, जैसे 180.8। तो मैं आपको इधर थोड़ा एग्जांपल के लिए आपको दिखा दो 10.8। तो क्लिक करते तो हमें 940 रुपये 35 पैसा हमें मिलेगी, यानी कि 60 रुपया जो है हमारा वो GST या फिर टैक्स में चला जाएगा। जैसे अभी गोल्ड का रेट थोड़ा ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हुआ इस समय, इसी वजह से, और इधर अपडेट नहीं आया इसी वजह से जो है इधर प्राइस के कोई चेंजेस अभी तक नहीं आया, तो इसीलिए जो है आप ये गोल्ड को हमें होल्ड करना है, तभी हमें जो है मुनाफा मिलेगा। तो 1-2 दिन बाद आप अगर इसको चेक करेंगे सेल में इधर जाके ये जो अमाउंट डाल के, तो आपको दिख जाएगा कि करंट वैल्यू आपका कितना है। अब बात करते हैं कि आप अगर इस गोल्ड को मतलब फिजिकली आपके एड्रेस में मंगाना चाहते हैं तो भी आप मंगा सकते हैं इस कंपनी से, इस कंपनी की तरफ से कुरियर के माध्यम से जो है आपके एड्रेस में इसी वैल्यू के जो है कॉइन या फिर जो भी चीज़ चाहिए आपको आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ एग्जांपल। उसके लिए आपको डिलीवरी ऑप्शन पर क्लिक करना है। डिलीवरी ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पिन कोड का ऑप्शन दिख रहा होगा। पिन कोड के ऑप्शन पर आपके एरिया के पिन कोड आपको डालना होगा, अगर अवेलेबल है आपके एरिया के पिन एरिया के लिए तो वो इधर आपको दिख जाएगा। चलिए मैं पिन कोड डाल देता हूँ। तो आप देखेंगे कि 4 तरह के जो है कॉइन हमें दिख रहा है, तो जैसे 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम। तो जैसे मैं 1 ग्राम सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि इधर लिख रहा है कि करंट बैलेंस 819.2 MG, 1 आइटम इन कार्ट अमाउंटिंग टू 1 ग्राम, यानी कि हमारा 1 ग्राम भी नहीं है। अगर हमारा 1 ग्राम का गोल्ड उधर बैलेंस रहेगा तो जो है आसानी से आपको मतलब डिलीवरी करा देगा, लेकिन उसका जो चार्जेस है प्योर गोल्ड डिलीवरी प्लस मेकिंग चार्जेस 396 रुपीज़, यानी कि 396 रुपये इसके लिए आपको अलग से चार्ज कर देना पड़ेगा। मेकिंग चार्जेस और जो डिलीवरी चार्जेस है वो आपको देना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है आप चाहे तो फिजिकली गोल्ड को भी इस कंपनी से मंगा सकते हैं डिजिटल तरीके से खरीदने के बाद। तो आशा करता हूँ जो है आप समझ गए होंगे कि आपके गोल्ड पे अकाउंट से किस तरह से गोल्ड को बाई करके जो है मुनाफा कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो पसंद आएगा, और इस वीडियो से जुड़े हुए आपके कुछ सवाल या सुझाव है तो आप नीचे मेरे साथ जरूर शेयर करें, और आने वाले समय में इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।